दोस्तों आज घर में ही हम लोग ये मट साफ करेंगे, वो भी 50 से 100 रुपए हम लोग बचाएंगे हर वाश में, क्योंकि ये सब जो मट है ये गाड़ी को खराब करता है, रस्ट करता है। तो ये सब मट को जितना जल्दी निकाल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इंजन के ऊपर जो मट है, फिर ये जो आपका यहाँ पे मट है, हर जगह मट है, इसको निकाले हम लोग को। तो चलिए देखते हैं। होने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को चाहिए 3 रुपए का ये 2 प्लस का शैम्पू हो या सनसिल्क का शैम्पू, जो भी शैम्पू हो 2 पीस ले लीजिए, 1.5-1.5 3 रुपए का लेगा टोटल। साथ में पुराने एक टूथब्रश और इसके साथ गमछा हो या कोई भी कपड़ा हो उसको ले लीजिए, ये 3 चीज जरूरत है। बात चाहिए हम लोग एयर प्रेशर का एक किट, जो कि ये गार्डन प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा। ये 1 लीटर का होता है प्रेशर किट, इससे हम प्रेशर से पानी को दे सकते हैं, मतलब प्रेशर बना सकते हैं, जिससे कि जितना भी कीचड़ है या जो भी है डस्ट निकल जाए बाइक से। तो चलिए इसके यूजेस के बारे में देखते हैं। दोस्तों में प्रेशर देने के पहले, प्रेशर से पानी देने के पहले प्लेन पानी डाल लीजिए, हल्का हल्का गाड़ी को भिगो लीजिए, जिससे कि जो भी रस्ट है या जो भी डस्ट है आपके बाइक में या जो भी कीचड़ मड़ आपको दिखाई दे रहा है या सैंड है, वो थोड़ा बहुत निकल जाए और थोड़ा गाड़ी में मॉइस्चर आ जाए, जिससे कि साफ करने में बहुत ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो। तो थोड़ा प्लेन वाटर से आप देते रहें पानी, पूरा गाड़ी भीग जाने के बाद आप एयर पंप को ले आए सामने। तो मेरा जो ये एयर पंप है कैसे खुलता है मैं दिखाता हूँ आपको, तो चलिए देखते हैं कैसे खुलता है ये एयर पंप। तो ये आपके सामने एयर पंप है, इसको आप जैसे खोलते हैं ढक्कन वैसे ही खोलना है। ये 1 लीटर का है, देखिए इसमें एक स्ट्रॉ है, ब्रेक किट है, और इसको 1.25 लीटर तक हम लोग को भरना है। तो चलिए अब शैम्पू काट लेते हैं, शैम्पू काट के इसके अंदर डालते हैं। अब हम लोग को शैम्पू काट के इसके अंदर डाल लेना है। तो चलिए शैम्पू काट लेते हैं, दोनों सैशे ही काट लेना हम लोगों धीरे धीरे। ये दोस्तों इस एयर वाटर प्रेशर के कारण आप लोग का जो हर वक्त बाइक धोने के लिए 100-50 रुपये खर्चा होता है वो घर में ही हो जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं है कहीं बाहर ले जाके प्रेशर वाटर प्रेशर से आपको गाड़ी धोने का। तो इससे बेहतर है आप घर में ही एयर प्रेशर से इससे धो लें, जिससे आपका पैसा भी सेव हो और आपका गाड़ी अच्छा भी रहे। आपको यहाँ तक पानी भर लेना है, मतलब 1.25 बोतल, मतलब 750 ml पानी भर लेना है। और मैं भरने जा रहा हूँ पानी, तब तक आप कैमरा थोड़ा सेट कर लूँ, और भरने के बाद पानी में थोड़ा बहुत कैमरा सेट कर लेता हूँ जिससे आपको दिख जाए। पूरा टाइट सील कीजिएगा बोतल, ठीक है दोस्तों। अब मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, बस यहाँ से शायद आपको बढ़िया से दिख जाए। अब हम लोग को उसमें पंप मारना है, जैसे स्टोव में देते हो वैसे ही पंप, एयर पंप आ जाएगा। ये देखिए प्रेशर से आ रहा है, पहले भिगो लीजिए बढ़िया से, साबुन पानी जो भी हो उससे भिगो लीजिए। ये शैम्पू वाला पानी है, देखिए झाग आ रहा है, देखिए प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा आप ब्रश ले लीजिए, जहाँ जहाँ पे मड है वहाँ पे ब्रश से घिसने लग जाइए। तो मैं ब्रश लेके आ गया हूँ और मैं घिसूँगा अब। ब्रश के साथ साफ करते करते आप प्रेशर से निकाल भी दीजिए मट को। ये देखिए मैं जहाँ जहाँ ब्रश कर रहा हूँ वहाँ से मिट्टी निकल जा रहा है, और वहाँ पे आपका शैम्पू वाला पानी भी डालते जा रहा हूँ, है ना दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग को पूरा गाड़ी में ब्रश घुमा लेना है, और जहाँ जहाँ मड है उसको घिसने के बाद पूरा निकाल देना है। ब्रश से करने से क्या फ़ायदा होता है, जो वहाँ पे नट बोल्ट होता है वहाँ से भी मड निकल जाता है, वो कपड़े से नहीं हो पाता है उतना बेहतर। तो इस प्रकार से हम लोग को साबुन से जहाँ भी डस्ट है वहाँ का डस्ट निकाल देना है दोस्तों। तो हम लोग इस तरफ आ गए हैं, अब यहाँ पे भी हम लोग बढ़िया से ब्रश से पूरा मड निकाल लेंगे।
दोस्तों याद है मैं आपको इस गाड़ी के बारे में पहले भी बोल चुका था, मीटर को लेके, टाइम एडजस्ट को लेके, ये वही गाड़ी है CBZ Xtrem। तो इसका इसी के ऊपर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। घर में बैठे ही आप 50 से 100 रुपए बचा सकते हैं और पूरा बढ़िया तरीके से साफ भी कर सकते हैं। 3 रुपये मात्र इन्वेस्ट करने के बाद आपका गाड़ी पूरा चकाचक हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ 3 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 3 रुपये बोले तो शैम्पू का। देखिए पूरा इंजन में आप ब्रश से घिस लीजिए, जहाँ जहाँ आपको मड दिखाई दे या सैंड दिखाई दे, इसे घिसने के बाद आप प्रेशर से साफ भी कर लें। देखिए शैम्पू वाला पानी बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब पीछे के साइड भी आप प्रेशर से निकाल दीजिए, जहाँ भी मड है आप निकाल दीजिए, ये बॉडी में दे दीजिए, चेन कवर में दे दीजिए, चेन में और पीछे वाला व्हील, ये सब टोटल जगह में आप दे दीजिए। ये 3 रुपये का शैम्पू से ही आपका फुल बाइक पूरा साफ हो जाएगा दोस्तों। पीछे के साइड भी बढ़िया से दे दीजिए, सामने इंजन, हर जगह आप ये शैम्पू दे सकते हैं। आपका ज़रूरत नहीं है सर्फ एक्सेल या निर्मा यूज़ करने का, यहाँ पे इससे काफ़ी है और पूरा साफ भी होता है दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आ रहा होगा। बोर लगे तो ज़रूर डिसलाइक कीजिएगा और यदि लाइक लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं पूरा बॉडी का ही धीरे धीरे साफ़ कर ले रहा हूँ और धीरे धीरे आप लोगों को पूरा दिखा दे रहा हूँ कैसे ये करना है। थोड़ा बहुत सामने हेडलाइट में भी दे दीजिए, इससे साफ़ हो जाए। देखिए वे दो शैशे काटने के बाद पूरा बाइक में ही शैम्पू का काम हो गया। इसमें बाल्टी में घोलने का ज़रूरत भी नहीं है, आराम से वाटर प्रेशर भी मिल जा रहा है आपको, बहुत बढ़िया काम भी करता है ये दोस्तों। और देखिए धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से साफ भी हो रहा है। आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं, आप घर में बैठे ही आराम से कर सकते हैं। कोई भी वेदर में, ठंडी हो या गर्मी हो, आराम से घर में ही हो जाता है। अब देखिए अब मेरा कंप्लीट हो गया है। अब पानी से और गमछिया से मैं इसको पोंछ रहा हूँ। धीरे धीरे पानी और गमछा से इसको पोंछ लेने के बाद मैं आपको दिखा लेता हूँ इसका लुक, ठीक है दोस्तों। और लाइक और शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। और भी मैं आपको बाइक का कुछ वीडियो देता रहूँगा, जिससे आपको और भी घर में बैठे बाइक कैसे ठीक करते तो उसके बारे में। हम लोग का बाइक पूरा वॉश हो चुका है, आप देख सकते हैं कहीं पे थोड़ा भी कचरा नहीं है, एकदम साफ़ हो चुका है। और देखिए ये घर में मात्र 3 रुपये में हो गया आपका साफ, कहीं पे कोई कचरा नहीं है, एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है, कहीं पे थोड़ा भी मैल नहीं है, बहुत ही बढ़िया हो गया है। और आपका गाड़ी रेडी है राइड के लिए, तो बस इसके ऊपर चढ़िए और सवारी करते रहिए दोस्तों।